करंट के लगने से भैंस की मौत, 8 वर्षीय बालक, 45 वर्षीय महिला घायल। जनपद बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्रीय ग्राम इंदूर में करंट लगने से भैंस की मौत। आपको बता दें, फकरपुर थाना क्षेत्रीय ग्राम पंचायत इंदूर निवासी रामानंद यादव पुत्र जोगी प्रसाद यादव के घर के सामने विद्युत पोल से घर को तार गया हुआ था। अचानक विद्युत पोल से तार टूटा। तार टूटते ही भैंस के ऊपर जागरा गिरने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। रामानंद यादव का 8 वर्षीय पुत्र अमरजीत यादव और रामानंद यादव की पुत्री आशा देवी भैंस को करंट से बचाते हुए करंट की चपेट में आ गई, जिससे माँ बेटे दोनों को करंट लगा, जिनका उपचार फकरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ग्रामवासियों ने तुरंत फकरपुर थाना अध्यक्ष को दी सूचना। पाते ही फकरपुर थाना के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों को पहुंचते ही विभाग के आलाधिकारी को सूचना देने पर विभाग के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर लाइन को काटा गया व तारों को सही किया गया। साथ ही फकरपुर थाना अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से प्रार्थना पत्र लेकर भैंस का पोस्टमार्टम करवाने की सूचना दी। नाम है आपका? राम ब्रिज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदूर। थाना कौन सा है आपका? थाना फकरपुर। जनपद बहराइच। ये आपके गांव में जो भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है? ये मामला है, बत्ती का तार गिरा और बत्ती के तार से भैंस मर गई और हमारी चाची ने अस्पताल में भर्ती हुई है। एक छोटा सा हमारा भाई है, वो भी भर्ती हुआ। किसकी भैंस है? रामानंद यादव। आपका? सुरेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदूर। ये आपके गांव में जो मामला भी ज़्यादा भीड़ एकत्रित है, क्या मामला है? अरे भैंस के रे तार टूट गया रहा है, वो तार गिर गया, भैंस भगी, बोलत रहा है एक औरत तो लग वो बत्ती लग गए, करंट लग गया। हाँ, करंट लग गया, भैंस भी मर गई और मेरुआ भी एडमिट है, एक बच्चा के दौड़ा पकड़ा ओके भी लग गया। भैंस किसकी है, क्या नाम है? रामानंद रामानंद जी।